नमस्ते दोस्तों, आप सबका हार्दिक स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ग्रीन टिप्स एंड एडवाइस चैनल में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे अगले दिन हम कौन सी स्टॉक में पोजीशन बनाएंगे, उसी स्टॉक के टेक्निकल आउटलुक, बाइंग लेवल, सेलिंग लेवल, स्टॉप लॉस टारगेट, उस बारे में चर्चा करेंगे। और कल जो मैंने स्टॉक के बारे में चर्चा किया था उसका रिव्यू देखेंगे, उसमें प्रॉफिट हुआ फिर लॉस हुआ और इंट्राडे फ्री लेवल्स कैसे प्राप्त कर सकते हैं उस बारे में चर्चा करेंगे। तो कॉन्सेप्ट में जाने से पहले जानकारी देना चाहता हूँ, ये वीडियो में एडुकेशनल पर्पज बनाता हूँ। जो भी लेवल या फॉर्म प्लेस करो मेरी खुद की रिसर्च से, अगर आप लोग ट्रेड करते हैं तो अपनी जिम्मेदारी से ट्रेड कीजिए, क्योंकि मैं रिकमेंड नहीं करता मेरे बताए गए लेवल पर ट्रेड करने के लिए। और एक जानकारी, अगर आप लोग ज़ेरोधा में डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप लोग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। फायदा क्या होगा, फ्लैट बुक कर 20 रुपीज़। अधिक जानकारी के लिए मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 9862244240 में, मैं आप लोगों को हर तरीके से सहायता करूँगा। अगर आप लोग डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करते हैं मुझे तो मैं यहाँ से ऑनलाइन प्रोसेस करके अकाउंट ओपन करवा के दे सकता हूँ पूरी प्रोसेस। तो चलिए पहले हम रिव्यू देख लेते हैं। कल जो मैंने स्टॉक प्रोवाइड किए थे हिंडाल को, उसका सेलिंग लेवल था 234.69। तो फ्रेंड्स, सेलिंग लेवल एग्जीक्यूट हुआ था और थर्ड टारगेट अचीव हुआ, शायद 228 का लो था और थर्ड टारगेट था 229.73। तो चलिए फ्रेंड्स, और एक स्टॉक था ओरो फार्मा, ओरो फार्मा का बाइंग लेवल था 817.38 और हाई था 11 और सेलिंग लेवल था 781.77। तो फ्रेंड्स, ओरो फार्मा जो है ना बाय लेवल एग्जीक्यूट हुआ ना सेल लेवल एग्जीक्यूट हुआ, नो प्रॉफिट नो लॉस, सिर्फ हिंडाल को जो है लेवल एग्जीक्यूट हुआ था और उसमें प्रॉफिट हुआ। और फ्रेंड्स, मैंने वेबसाइट में जो कॉल प्रोवाइड किया था उसमें भी टारगेट हुआ है, 4 पॉइंट का प्रॉफिट बुक हुआ है। तो चलिए वो भी देख लेंगे। तो फ्रेंड्स, इंट्राडे फ्री लाइफ प्राप्त करने के लिए आप लोगों को करना क्या है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए anjantechresearch.com लिंक पर क्लिक करना है। जैसे आप लोग क्लिक करेंगे तो वेबसाइट को विजिट करेंगे, तो फ्रेंड्स इस वेबसाइट को आप लोग विजिट करेंगे, उसके बाद मेनू में क्लिक करना है। जैसे मेनू में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इंट्राडे टिप्स में क्लिक करना है, तो आप लोगों को इंट्राडे टिप्स का पेज जो है मिल जाएंगे जहाँ पर मैं लाइव कॉल प्रोवाइड करता हूँ। तो देखिए, आज मैंने 12:02 में सन फार्मा कॉल प्रोवाइड किया था और जब मैंने कॉल प्रोवाइड किया था तब उसका प्राइस चल रहा था 645 रुपये चल रहा था जब मैंने कॉल प्रोवाइड किया था। और करीबन ये 2 बजे शायद लगभग 2 बजे लेवल एग्जीक्यूट हुआ था, सेलिंग लेवल 634.80 और फर्स्ट टारगेट डन हो गया 630। तो यहाँ पर हमें नियरअबल 5 पॉइंट प्रॉफिट हुआ है। तो फ्रेंड्स, आज की वेबसाइट में जो कॉल प्रोवाइड किया वो भी टारगेट हुआ है और यूट्यूब की एक कॉल में टारगेट हुआ है और पिछले दिन मैंने ओरोफर में कॉल प्रोवाइड किया था ये भी टारगेट हुआ था। तो यहाँ पर आप लोग एक महीने का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए कि एक्यूरेसी कितना है, कितने स्टॉप लॉस हो रहा है, कितने टारगेट जा रहा है, कितने ऑल टारगेट हो रहा है, सब कुछ देख लीजिए। और अगर आप लोग ट्रेड करते हैं तो अपने जिम्मेदारी से ट्रेड कीजिए, क्योंकि मैं रिकमेंड नहीं करता मेरे बताए गए लेवल पर ट्रेड करने के लिए। ट्रेड करने से पहले यहाँ पर जो डिस्क्लेमर है फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं अगले दिन कौन सी स्टॉक मैंने सिलेक्ट किया। ओके, तो फ्रेंड्स अगले दिन के लिए मैंने जो स्टॉक सिलेक्ट किया उसका नाम है गोदरेज इंडस्ट्रीज। गोदरेज इंडस्ट्रीज को सिलेक्ट करने के रीज़न हम बता देते हैं। गोदरेज इंडस्ट्रीज जो है काफ़ी ऊपर था फ्रेंड्स, और पिछले कुछ दिनों से यानी पिछले सात दिनों से लगातार उसमें गिरावट है और ऊपर की तरफ से जो है पीवोट लेवल को ब्रेक डाउन करते हुए, अपर वोलिंजर वेन को ब्रेक डाउन करते हुए, मिडिल वोलिंजर वेन को ब्रेक डाउन करते हुए, फाइनली फर्स्ट सपोर्ट लेवल को भी ब्रेक डाउन किया और लोअर वेन को भी ब्रेक डाउन करते हुए 150 डेज क्लोजिंग प्राइस और 200 डेज क्लोजिंग प्राइस के नीचे क्लोज हुआ है। तो फ्रेंड्स, काफ़ी सारे सीमा को यानी सपोर्ट को ब्रेक डाउन करते हुए नीचे गिरा है, तो हमें ऐसा लग रहा है कि स्ट्रांगली सेलिंग पोजीशन पे है और आने वाले समय में, आने वाले दिन में और भी नीचे गिर सकते हैं और गिरने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि RSI का ट्रेंड भी नीचे की तरफ है, 36 पे है, नियर अबाउट ओवरसोल्ड जोन पे है यानी जहाँ से बाइंग आ सकती है, लेकिन ट्रेंड अभी तक नीचे की तरफ है और भी नीचे जा सकती है, क्योंकि MACD इनिशियल सेलिंग सिग्नल पे है, MACD मेन लाइन सिग्नल लाइन के नीचे है और MACD मेन लाइन जो है जीरो लाइन के नीचे है और हिस्टोग्राम भी बियरिश है, इसलिए मैंने स्टॉक को सिलेक्ट किया। हर तरीके से जो ही है डाउन ट्रेंड में है, बियरिश है, इसमें हम प्रॉफिट कर सकते हैं नीचे से, नीचे की तरफ यानी अच्छी एक गिरावट आ सकती है। अगर ये 200 डेज को पॉजिटिव ब्रेकआउट नहीं करते हैं, जहाँ पर क्लोज हुआ वहाँ पर ओपन होकर उसके नीचे सस्टेंस करते हैं तो अच्छा गिरावट देखने को मिल सकते हैं। 15 मिनट चार्ट के हिसाब से अगर हम देखें तो 15 मिनट चार्ट के हिसाब से भी देखिए, वोलिंजर वेन, लोअर वोलिंजर वेन को ब्रेकडाउन करते हुए सेकेंड सपोर्ट लेवल को भी ब्रेकडाउन किया है और ट्रेंड जो है नीचे की तरफ है और RSI भी नीचे की तरफ है और MACD भी सेलिंग पोजिशन पर है, इसलिए मैंने स्टॉक को सिलेक्ट किया। तो चलिए उसका लेवल देख लेते हैं। इसका लेवल रहेंगे फ्रेंड्स, बाइंग लेवल 602.40, स्टॉप लॉस 582.92, फर्स्ट टारगेट 605.92, सिक्स टारगेट 639.21, सेलिंग लेवल रहेगा 579.65, स्टॉप लॉस रहेगा 599.13, फर्स्ट टारगेट 576.13 और सिक्स टारगेट 542.84। और एक जानकारी, अगर आप लोग पेड सर्विस देना चाहते हैं तो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 9862244240 में। मैं डेली 3 से 4 कॉल प्रोवाइड करता हूँ 80% एक्यूरेसी के साथ
और सुबह 9:15 से 3:15 तक मेरा लाइव सपोर्ट रहते हैं। आज भी मैंने जो कॉल प्रोवाइड किया फ्रेंड्स, सभी ऑल कॉल में प्रॉफिट हुआ है। तो चलिए फ्रेंड्स, कोई बात नहीं, अगर आप लोग जरूरत में डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके अकाउंट ओपन कर सकते हैं। मैं आप लोगों को हर तरीके से सहायता करूंगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना सा, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।